देवरिया में हुई छह लोगों की हत्या के मामले में यूपी की राजनीति गर्मा गई। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर में घायल बच्चे का हालचाल जानने पहुंचे, वहीं वारदात के बाद विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर। सभी ने एक सुर में योगी सरकार को सुनाना शुरू कर दिया। मृतकों में एक प्रेमचंद यादव है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार ब्राह्मणों का है, जिसके बाद अब इस पर राजनीति हो रही है। सबसे पहले इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या हुई और उसके बाद उनके समर्थकों ने ब्राह्मण परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चे, महिलाओं और बेटियों तक को नहीं छोड़ा गया। पहले उन्हें काटा गया, मारा गया, गोलियां तक मारी गईं और उनके सिरों को कूचा गया। इस मौके पर 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। जो भी मिला उसके ऊपर ये समर्थक टूट पड़े, ये परिवार वाले टूट पड़े और उसे बिल्कुल जान लेकर के ही छोड़ा। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि इस ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालचाल जाना है। वहीं माना यह जा रहा है कि इस बच्चे को भी इन हमलावरों ने लगभग मार ही दिया था और मरा समझ करके ही वहां से भाग निकले थे। अब इस पूरी वारदात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया में हुई घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या संलिप्तता की वजह से घटित हुई है। काश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या संलिप्तता की वजह से हुई। काश मुख्यमंत्री के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की सच को सामने ला सकती है और परत उतार कर न्याय कर सकती है। ये जांच तत्काल। इस हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार एक के बाद एक ट्वीट हुए और इस घटना में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता की हत्या हुई, इसके बाद से समाजवादी पार्टी भी घेरे में। वहीं प्रशासन ने अब समाजवादी पार्टी के नेता के, जिसकी हत्या हुई, उसके घर का नापना और उसकी पैमाइश शुरू कर दी। माना जा रहा है कि जल्दी उस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस दहला देने वाले हत्याकांड पर यूपी की कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा और बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने तो सीधे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ही मांग लिया। अजय राय ने कहा कि ये जंगल राज तालिबानी शासन चल रहा है, सरकार पूरी तरह से विफल है, तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि सोमवार की सुबह पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुके प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे। प्रेमचंद यादव की हत्या का जिम्मेदार सत्यप्रकाश दुबे को माना गया, क्योंकि दोनों में लंबे समय से जमीन के एक टुकड़े को लेकर रंजिश चल रही थी। और इसमें एक और शख्स है जो कि सत्यप्रकाश का भाई था, साधु। उसने अपनी जमीन और अपनी दोस्ती के लिए प्रेमचंद के नाम पूरी जमीन कर दी थी और उसका से पैसा लेकर के गुजरात चला गया था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक साधु इन्हीं के घर में भी रहता था। इसके बाद प्रेमचंद के परिजनों ने भी बदला लेने की ठानी और उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला कर दिया। उनके घर पर पहुंचे और तबाही मचाना शुरू कर दिया। कोहराम इतना था कि सबके सिर पर खून सवार था। सभी ने अपने हाथों में लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर, बंदूक ले रखे थे और सामूहिक हमले में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, एक अन्य व्यक्ति और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। मामले में 5 लोगों की हत्या से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा और इस दौरान पुलिस अब वहां पर बैठी हुई। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत गृह सचिव और इसके अलावा स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मौके पर भेजा और हालात का जायजा लिया। अब प्रशासन की टीम पूरी जमीन की पैमाइश और घरों की भी पैमाइश कर रही। माना जा रहा है कि जल्द ही दोषियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 15 से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो हथियार उनके पास थे, लाठी, डंडे और कुदाल, उसको भी बरामद कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।